युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने की फेसबुक पर युवती से अभद्रता। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर एक युवती से फेसबुक पर अभद्रता करने का मामला सामने आया है। युवती ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर फेसबुक पर उसके साथ बदतमीजी और अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है, जिस पर पुलिस ने भी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। दरअसल मामला थाना मझूला क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र निवासी एक युवती ने हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी पर आरोप लगाते हुए फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी और अन्य फेसबुक साथियों पर भी अभद्रता करने का आरोप लगाया है। युवती ने परेशान होकर थाना में अपनी तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आईटी एक्ट के तहत मुकदमा होगा और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात पुलिस कह रही है। युवती का आरोप है कि उसने वैलेंटाइन वीक को लेकर फेसबुक पर अपने पति के साथ एक पिक पोस्ट की थी, जिस पर बोलते हुए जिला प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी ने फेसबुक पर मारपीट करने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसके अन्य साथियों के द्वारा भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। जी मैम, क्या पूरा मामला मामला ये था कि मेरे हस्बैंड का और मेरा फोटो था, जिसको मैंने शेयर किया था, मेमोरी जो शेयर करते हैं तो उस पर अंकित शर्मा है, जो हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी है। तो उन्होंने ये लिखा कि तुम जैसे लोगों को 14 फरवरी को अच्छे से तोड़ूंगा। मैंने उनको लिखा जो आप समझ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं और आप तोड़ने की बात करें आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया। मैंने उनकी पोस्ट पे जाके ये लिखा कि आपके अंकित शर्मा तो मेरे सवालों के दिए बगैर ही मुझे ब्लॉक कर भाग गए कमेंट डिलीट करके। उसके बाद में बात चलती रही, उनके ही कुछ लोग जैसे दीपक कालागढ़, अमन कश्यप और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत बद्दी लैंग्वेज बोले, कितने पैसों में बुक करना है, घर कहाँ है। मैंने उनको घर का एड्रेस भी दिया, मेरा घर का एड्रेस ये है, आप मेरे घर पर आके बोले घर में घुस के मारेंगे। मैंने ठीक है, मैंने एड्रेस दे दिया, दम है। मैंने ये भी बोला, खुले में कह रही हूँ कि अगर हिंदू की औलाद हो तो मेरे घर में आके मुझे मारो, और जान से मारने की तो धमकी दी है मुझे। और मुझे डर की वजह से मैं फिर थाने भी गई थी, पूरा दिन तो मैं घर पर ही रही थी, डर इतना था क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी के लोग हैं, कुछ भी कर सकते कार्यकर्ता है। मैं मेरे पास उसके सारे एविडेंस हैं जो मुझे धमकी दी, सारे स्क्रीनशॉट हैं, और यहाँ तक कि फैसला नामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है मेरे पर। आप अधिकारियों से किस किस से आप मिली थी, किस किस से आपने दुआर लगाई और किस अधिकारी ने सुनवाई करी क्या नहीं करी? मैं थाना गई थी, मझोला थाने, उन्होंने मैं गई सर मेरे साथ ही हुआ है, तो उन्होंने ये कहा खुले शब्दों में कि आपसे पहले अंकित शर्मा अपने 15 लोगों को लेके यहाँ आए थे आपके खिलाफ मुकदमा देने, मुकदमा लिखवाने के लिए, और उनकी तहरीर मेरे पास पड़ी होगी। जब मैंने आप उनका मुकदमा नहीं लिखा, आपका मुकदमा मैं कैसे लिख सकता हूँ, उनको क्या जवाब? उन्होंने मुझसे कहा 2 दिन का टाइम दीजिए, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आना। तो 2 दिन में, 2 दिन के अंदर अगर मेरे साथ कोई वारदात होती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो सीधा अंकित शर्मा को, उसके कार्यकर्ता को दोषी ठहराऊंगी, मैं इस बात को खुले में कह रही हूँ। तो आपके FIR हुई ना हुई? अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। तो पुलिस करने के लिए तैयार है, FIR नहीं कर रही? नहीं, मैंने SSP को भी कॉल किया था, मैंने सर ऐसे ऐसे मामला है, उन्होंने कहा हाँ संज्ञान में है, हमने आपके थाने में बोल दिया है, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई हुई नहीं। फेसबुक के या व्हाट्सएप के जरिए कि क्या क्या मैसेज आपको दे? फेसबुक के जरिए बहुत गंदी लैंग्वेज जो मैं आपको बता नहीं सकती, यहाँ तक कि मेरी कीमत तक लगाई गई, एक एक रात की कीमत क्या है, और घर में घुसकर बोले जिस बिस्तर पर लेटी है उसके साथ से खींच के मारूंगा, ये सब बहुत बदी लैंग्वेज आप जो मेरे पास छाया पेटी है जो मैं आपको भेज दूँ। अगर अगर आपकी सुनवाई अगर नहीं होती तो आगे का क्या करूँगी? घर में बैठूंगी, क्या करूँगी, बस यही सोचूंगी, लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि जिसके पास अंदर पावर है वही जीतेगा, लेकिन हम लोग कहाँ जीत पाएंगे? लेकिन मेरी जान को खतरा है, अगर मेरे साथ कुछ घटना होती है, दुर्घटना होती है, इसका प्रशासन को दोष दूंगी, और उनके कार्यकर्ता जैसे कि अंकित है, दीपक कालागढ़ है, और भी उनके अन्य साथी हैं, अमन कश्यप जैसे। सर, थाना मझोला क्षेत्र में महिला का मामला आया, सर क्या मामला था पूरा, सर जब बताइए। ये थाना मझोला क्षेत्र में एक महिला ने कंप्लेंट दी है कि फेसबुक पे उस पर कुछ लड़कों ने अश्लील
कमेंट्स किए हैं, जिसके आधार पर आईटी एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर किसी पार्टी के बताया जा रहा है सर, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, उसमें कुछ पार्टी के पदाधिकारियों का नाम बताया, उस पर विवेचना की जा रही है। सर कौन सी पार्टी के थे सर ये? इसमें ये हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन। कितने लोग थे, क्या क्या नाम है सर? इसके बारे में विवेचना में जो भी प्रकाश में है उसमें कार्रवाई की जाएगी।